हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ए 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आपको लगातार मिलते रहें। दोस्तों, आज हम आए फिर आपके सामने एक न्यू टॉपिक लेके, जो है राजस्थान बजट 2018 का। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया है, जिसमें उन्होंने कई भर्तियों की घोषणा की है और कई मुख्य ऐलान भी किए हैं। तो आइए जानते हैं राजस्थान बजट 2018 के प्रमुख ऐलानों को वन लाइनर के तौर में। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राजस्थान बजट 2018 के मुख्य ऐलान के फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि राज्य परिवहन निगम की बसों में 80 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को मुफ्त यात्रा और उनके अटेंडेंट को 50% की रियायती दर पर यात्रा सुविधा प्रदान करने की घोषणा की गई है इस बजट के अंदर। सेकंड है जो कि है हमारी भर्तियों से रिलेटेड, उनमें आप देखेंगे कि 54,000 थर्ड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती इस बार की जाएगी। इसके अलावा आपके शिक्षा विभाग में 70,000 पदों पर टोटल भर्ती करने जा रही है इस बार सरकार, जिसमें 9,000 सेकेंड ग्रेड शिक्षकों की भर्ती होगी। 2,000 पटवारियों की आवश्यकता है, तो इसलिए पटवारियों की भर्ती भी इस बार आने वाली है। और इसके साथ 4,514 ग्रेड टू नर्स की और 5,558 महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भर्ती भी इस बार होने वाली है। तो इस बार राजस्थान में भर्तियों को लेकर जो चल रही थी बातें, वो बातें सच हो रही हैं कि बजट में इस बार घोषणा की गई है कि जो गवर्नमेंट जो है वो निकालने जा रही है इस बार भरपूर भर्तियों को। इसके अलावा बात करते हैं नई बातों की कि वर्ष 2016-17 एवं 2018-19 के रिटर्न फॉर्म वैट 10, 11 एंड 10 ए को प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि है वो 31 मार्च 2018 तक बढ़ा दी गई है। इसके अलावा दोस्तों, पैतृक संपत्ति के विभाजन पत्रों पर पंजीयन शुल्क 1% से घटाकर 0.25% कर दिया गया है। स्टाम्प ड्यूटी एंड पंजीयन शुल्क में भी राहत इस बार दे दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी 1000 वर्ग मीटर तक की कृषि भूमि का मूल्यांकन आवासीय के स्थान पर कृषि भूमि की दर से ही किया जाने वाला है। ग्रामीण क्षेत्रों में 1000 और भामाशाह ATM स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों, वर्ष 2018-19 से भूमि पर लगने वाला जो लगान है, भू राजस्व है, उसको माफ कर दिया गया है। 40 से 50 लाख किसान इससे लाभान्वित होने वाले हैं। नई मेवाड़ भील कोर बटालियन के लिए 1161 कांस्टेबल की भर्ती भी इस बार रखी गई है। सुंदर सिंह भंडारी EBC स्वरोजगार योजना में 50,000 परिवारों को 50,000 तक का ऋण 4% ब्याज पर बिना रहन उपलब्ध कराया जाएगा। शहीद सैनिकों के आश्रितों को नगद राशि 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख करने की घोषणा कर दी गई है। तो दोस्तों, सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए GST निवेश अनुदान को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। केश कलाकार, कुम्हार, मोची, बढ़ई, रिक्शा वाला और प्लम्बर आदि को 2 लाख के ब्याज मुक्त ऋण की घोषणा भी इस बार की गई है। अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम द्वारा 2 लाख रुपए तक के बकाया ऋण व ब्याज को माफ किए जाने की घोषणा भी इस बार कर दी गई है। एंड सभी श्रेणी के किसानों को फार्म पॉन्ड निर्माण पर पूर्व में देय लागत के 50% अनुदान को बढ़ाकर 60% कर दिया गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता तथा मानदेय कर्मियों के बीमा योजना प्रीमियम की 100% राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाएगी। अल्पकालीन फसली ऋण में से 50,000 तक के कर्ज की एक बारी माफी का निर्णय भी इस बार लिया गया है। जनवरी 2012 तक लंबित 2 लाख कृषि कनेक्शन वर्ष 2018-19 में इस बार दे दिए जाएंगे। जो सोलर पंप सेट था, उस पर राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में देय अनुदान को बढ़ाकर 3 HP के लिए 35 एवं 5 HP के लिए 40% कर दिया गया है। ड्राइविंग लाइसेंस एवं व्हीकल रजिस्ट्रेशन संबंधी प्रक्रिया को पूरी तरह पेपरलेस किए जाने की घोषणा भी इस बार कर दी गई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी था। पत्रकारों को मकान बनाने के लिए 25 लाख तक के ऋण पर ब्याज अनुदान देने की योजना बनाई गई है। एंड दोस्तों, देखिए कि RPSC के जो परीक्षार्थी हैं, जो परीक्षा देने जाते हैं, वो जो भर्ती निकलती है, उनको रोडवेज में अगर वो यात्रा करेंगे तो उनको मुफ्त यात्रा का प्रावधान भी इस बार रखा गया है, जो कि बहुत ही बड़ी न्यूज है। प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को सप्ताह में 3 बार दूध दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, भैरव सिंह शेखावत अंत्योदय रोजगार योजना की शुरुआत भी इस बार कर दी गई है। गौ संरक्षण के लिए हर जिले में एक नंदी गौशाला खोली जाएगी और 12वीं परीक्षा में 85% अंक लाने वाली 2000 बालिकाओं को स्कूटी दी जाएगी। कर प्रस्तावों में एक भी नया कर नहीं लगाया गया इस बार से आमजन को 650 करोड़ रुपए की राहत दी गई है। फोटो जर्नलिस्ट एंड वीडियो जर्नलिस्ट के कैमरा बीमा की भी घोषणा की गई है।
इसके अलावा महिला कर्मचारियों को कार्यकाल में 2 वर्ष की चाइल्ड केयर लीव दी जाएगी। सरकार ने चुनाव से पहले हर वर्ग का ध्यान रखने की इसमें कोशिश जो है वो की है इस बार। तो दोस्तों ये थी बजट से जुड़ी हुई कुछ बातें, जिसमें हमने भर्तियों के बारे में जाना कि गवर्नमेंट क्या इस बार नई भर्तियां लेके आई आने वाली है, क्या है और मुख्य तथ्य उनके बारे में हमने इसमें जाना। आप इस चीज को जो पीडीएफ फाइल है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए A24 नॉलेज। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।